हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर सा गांव सुबाही भविष्य बद्री से। और अभी बज रहे हैं सुबह के साथ, मैं हूं अपने घर के छत पे बहुत दिनों बाद, क्योंकि लगातार बाहरी के वीडियो थे, ट्रेवल्स वगैरह ट्रैकिंग के वीडियोस आ रहे थे, तो जन्माष्टमी का वीडियो डाल नहीं पाया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो वो अभी भी पेंडिंग पड़ी है, जब भी टाइम मिलेगा वो डाल दूँगा। और आज खास बात ये है कि पिछले दो दिनों से इधर लाइट भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं जब लाइट नहीं रहती है तो बिजली विभाग को गालियां बकते हैं, लेकिन ये जरा सर कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। हम हैं या आप हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसे मौसम में पहाड़ों में बिजली अक्सर चली जाती है, तो पहाड़ों में ये पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटे ही बिजली रहे, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में क्या होता है, कहीं भूस्खलन, कहीं ज़मीन का धसक जाना, तो उस वजह से जो बिजली के खंभे रहते हैं वो कहीं खिसक जाते हैं, तो लैंडस्लाइड वगैरह जैसे बहुत से समस्याएं हैं जिस कारण बिजली कहीं दिनों तक गायब हो जाती है। तो हम दोष डाल देते हैं बिजली विभाग पर, लेकिन आज एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजली विभाग के जो वर्कर होते हैं वो कितनी मेहनत और परिश्रम के बाद हम तक लाइट पहुंचाते हैं, उसका एक उदाहरण देख लें। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ सो रस्सी पकड़ लेना, तुम रस्सी पकड़ लेना, रस्सी रस्सी छोड़ना मत। रुक जा वापस आ जा खैचो जैसा आपने अभी देखा कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी लोग हैं वो कैसे जो भयंकर एक तूफान पे जो नदी है उसे पार करके हमारे लिए बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि अगर वो लोग हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो हम दो चार दिन सब्र क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद यही था कि हमें ऐसे टाइम पर बिजली विभाग के कर्मचारियों का हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उन्हें भला बुरा कहना चाहिए।